हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं खेत में और आपको दिखाते हैं कैसे हम लोग लगाए हैं और कितना बड़ा हो गया है धान हम लोग का। और हम लोग बड़ी मुश्किल से लगाए थे पानी पटा के, ठीक है गाइस। और इधर लाइट भी तरीके से नहीं दे पा रहा था, वोल्टेज बहुत कम था, तो बड़ी मुश्किल से लगाए हैं हम लोग। इधर नदी साइड जितने थे वो सब लगा लिए थे, और जो दूर के थे जैसे नदी से 2000 फीट ऊपर में जो जिन लोग का खेत था उन लोग नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि उन लोग को पानी का कोई साधन नहीं था। और जिनके पास बोर था वो लगा लिए थे। तो जा रहे हैं खेत साइड, आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का खेत है ये, और यहाँ पे एक है और ऊपर में एक है, ठीक है गाइस। तो देख सकते हैं धान हम लोग का, देखिए पानी भी है खेत में। और ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे भी दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये पाइप गया है, पाइप डायरेक्ट नदी से आ रहा है पाइप, और इधर पानी पट रहा है, सब पानी नदी से आ रहा है। देखिए यहाँ पे मशीन भी चल रहा है, देखिए। और इधर पानी भी नहीं है, बीच में आया था 14-15-16 को तो नहीं था, दो दिन बस पानी था। और यहाँ पे देखिए पूरा धान लगाए हैं, नदी के बगल बगल में जितने लोग का है सब लगाए हैं। और ये देखिए हम लोग का है यहाँ पे, और हम लोग का ज़मीन एक जगह नहीं है इसलिए दिक्कत होता है पानी पटाने में भी। देखिए यहाँ पे है हम लोग का जितना है, सब इमली पेड़ है देखिए। और यहाँ पे देख सकते हैं खेत हम लोग का, ये रहा इतना खेत हम लोग के यहाँ पे है। और हम लोग का सबसे पहले जब 1990 जब था तब हम लोग का यहाँ पे घर था, सेम यहीं पे घर था। वो देखिए शायद ईटा भी दिख रहा होगा, ये देखिए ईटा यहाँ पे। तो यहीं पे रहते थे हम लोग पहले, और नदी में इतना पानी आता था कि यहाँ तक पानी आ जाता था। आपको दिखाते हैं नदी, नदी भी दिखाएंगे आपको। और ये देखिए पूरा तार गया है नदी साइड, सब यहाँ से पानी पटा के ही किए हैं। और कोई मतलब बरसात नहीं हुआ था, कोई पानी नहीं हुआ था, हम लोग बस पटा पटा के लगाए हैं इसको मशीन से। तो देख सकते हैं ये भी मेरा ही है, देखिए गाइस इसमें भी पानी है। और इसमें अभी छिड़काव हो गया है खाद का भी, देखिए। और ये देखिए नदी, बस नदी के चलते हम लोग लगा पाए, नहीं तो नहीं लगा पाते। ये देखिए इधर भी धान, सब धान है इधर। तब को नदी साइड लेके चलते हैं, नदी साइड नदी को भी दिखाते हैं आपको। ये है हम लोग का कन्हर नदी, ये हो गया हम लोग का नदी, हम लोग का हो गया बॉर्डर। अब उस पर जाएंगे तो हो जाएगा झारखंड, बिहार झारखंड। और हम लोग है यहाँ पे अब छत्तीसगढ़ में, अपना इलाका में। और वो देखिए वहाँ पे भी एक नदी दिख रहा होगा छोटा सा, उसको बोलते हैं कुलवंती नदी, देखिए वो भी मिलता है। उसमें भी बहुत पानी आता है जब पानी होता है तो। और गाइस इसमें जब पानी आता है, इतना पानी आता है कि मेरा देखिए यहाँ पे दो खेत है यहाँ पे, देख सकते हैं ये दो खेत, ये ऊपर वाला और ये वाला। तो इसमें ऊपर वाला तक पानी चल जाता है गाइस, ऊपर तक पानी चल जाता है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। लेकिन इस साल ऐसा है कि नदी में पानी तो देख रहे हैं कितना आया होगा, मैं नदी सूखने जैसा हालत हो गया था, ठीक। और देखिए इसमें पानी पटाना पड़ेगा, इसमें पानी सूख गया है तो इसमें लगाना पड़ेगा पाइप और पटाना पड़ेगा पानी।
और जा रहे हैं घर साइड। और हम लोग का घर के पास जस्ट पास 100 मीटर के राउंड होगा, वहाँ पे भी खेत है हम लोग का, और वहाँ पे भी लगाए हैं धान जो कि 1200 फीट तक पाइप लगा हुआ है। और वहाँ पे 1200 फीट तो मशीन मतलब पानी धकेल दिया उतना दूर, इसलिए हम लोग लगा लिए, नहीं तो नहीं लगा पाते। तो मशीन भी दिखाते हैं गाइस कहाँ पे लगाए हैं। देखिए इन लोग देखिए मशीन लेके जा रहे हैं। यहाँ पे इन लोग का हो गया है और बीड़ा 3 महीना का हो गया, मतलब 90 दिन का हो गया है, फिर भी आदमी आसरा नहीं छोड़े हैं कि नहीं लगाएंगे, अभी तक लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो खाएंगे क्या, यही स्थिति है। अब धान पे ही मान लीजिए धान नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या, तो यही स्थिति है। देखिए ये हो गया मेरा मशीन, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे और एक मशीन, वो देखिए और एक मशीन, और वहाँ पे एक मशीन था, यहाँ पे एक मशीन था, लेकिन उसको ले जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि घर साइड नहीं लगाए हैं। तो मैं पूछा कि कितना दिन हो गया है बीड़ा, तो बताए कि बहुत दिन हो गया है, 3 महीना जैसे हो गया है। तो क्या, तो मेरा वीडियो अगर पसंद आया होगा गाइस तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे सेट करके रखिएगा ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। और बहुत धूप है गाइस, ठीक गाइस, तो बाय बाय, इतना ही था, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और अभी तो हम लोग का डीजे का जो अभी सीजन है ऑफ सीजन है, हम लोग का डीजे बंद है, सबका वही स्थिति है। अभी गणेश पूजा में देखते हैं कहीं पे अगर बुकिंग मिलेगा तो लगाएंगे, और फिर नवरात्रि तो है आगे, तो नवरात्रि में भी लगाएंगे, ठीक है। तो जब बुकिंग मिलेगा, जब करेंगे तो फिर बताएंगे आपको, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।